विवाह सुख के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। लोग विवाह करते हैं सुख मिलाने के लिए, मगर लोगों को सच्ची विवाह सुख मिलता है क्या? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जब आप कोई लड़की अपने लिए, खुद के शादी के लिए लड़के को देखती है, पसंद करती है किसी को, या उसके माँ बाप पसंद करते हैं, तो वो देखते हैं कि लड़का कैसा है, ऊंचा पूरा है क्या, दिखने में कैसा है, और उससे भी ज्यादा कमाता है क्या, कैसे कमाता है, नौकरी करता है कि बिजनेस करता है, खेती है क्या, खुद का मकान है क्या। मतलब मेरी लड़की वहां जाएंगी तो वहां वो स्टेबल रह सकती क्या, स्टेबिलिटी मिलेंगी क्या उसको लाइफ में, और वो सिक्योर रहेंगी क्या, वो देखा जाता है। जब लड़की को देखने जाते हैं लड़के वाले, तो वो देखते हैं कि लड़की सुस्वरूप है क्या, दिखने में कैसी है, उसकी चाल चलन कैसी है, बात कैसी करती है, फिर उसका बैकग्राउंड कैसे, उसकी माँ, उसके घर में कौन कौन लोग है, उसका स्वभाव कैसे है, उसका कैरेक्टर कैसा है। और आजकल ये देखा जाता है कि भाई वो कमाती है क्या, मतलब वो अर्निंग है, तो क्या होता है कि दो इंजन है गाड़ी को लगे हुए, तो संसार अच्छा चल सकता है, तो इसलिए वो कमाती होंगी तो उसको ज्यादा मार्क दिए जाते हैं, तो ऐसे इसमें फिर शादी होती है। मगर इसमें जब अरेंज मैरिज है तो क्या होता है, विवाह के बाद में सुख मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है नहीं, क्योंकि बाद में फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक आध महीना चलता है, एक दो महीने विवाह के बाद में अच्छा, बाद में फिर एक दूसरे का स्वभाव फिर मालूम होता है, और एक दूसरे का स्वभाव जब मालूम होता है तो फिर झगड़े झंझट चालू हो जाते हैं। एक्चुअली ये नहीं देखा जाए कि भाई प्यार है कि नहीं है, अरेंज मैरिज करने के समय जब प्यार है क्या, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी शादी के पहले, एक दूसरे को समाधान कर सकते क्या, कॉम्पेटिबिलिटी है क्या, स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, मतलब पहचानना, बातें करना, पहले कॉम्पेटिबिलिटी है कि नहीं, एक दूसरे को एडजस्ट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये देखा ही जाता नहीं है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर क्या है कि जो दो अनजान जीव बिना पहचाने जाने शादी कर लेते, इकट्ठा आते, बाद में झंझट करना चालू होते। कितने सारे विवाह मैंने देखे हुए कि महीना दो महीने के अंदर ही डिवोर्स लेना पड़ता है। नहीं बोले हमको, अब बाद में मालूम पड़ा कि लड़का तो बहुत ही बाहर खेली है, बाहर जाता है, उसके बहुत लफड़े है, या शराब पीता है, या जुगाड़ खेलता है, जुगाड़ू है, या फिर बाद में फिर लड़की ऐसी निकली है कि भाई, जैसा अभी एक मेरे पास में आए थे सर्टिफिकेट लेने के लिए, लड़की बहुत ही खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, उन्होंने बताया कि भाई 12th पास है, देखने में वगैरह अच्छी दिखी, घर घराना बहुत अच्छा है, और लड़के वालों की एक ही कंडीशन थी कि लड़की सुंदर होना बस, बाकी तो हम सब अच्छे बोले घर के, हमको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो लड़की बहुत ही सुंदर, और जब शादी करके आई तो मालूम पड़ा कि इसका ना 12th पास है ना 10th पास है, वो स्कूल में हार्डली दो चार क्लास गई होंगी तो गई होंगी, ये मेंटली रिटार्डेड है, मंदबुद्धि, उसको खाना भी पकाने नहीं आता, अब क्या करे, दिखने में वो सुंदर दिख रही है, अब तो फंस गए। अभी लड़के वालों को प्रॉब्लम है कि अब करना क्या है, उनको चुपचाप लड़की वालों को 5 लाख रुपए देने पड़े और वो डिवोर्स लेना पड़ा। बोले 5 लाख रुपए लड़के का बाप बोले हमने तो कमा लिए, और 5 लाख रुपए भी मैं बैंक में डालूंगा लड़की के लिए, आगे चल के उसकी कमाई चालू हो जाएंगी। मेरा बोलने का मतलब यह है कि भाई हमको सब देखना पड़ता है, हम देखते नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी में शादी होती है, कंपेटिबिलिटी देखना जरूरी है, सीखे नहीं सीखे सब ये देखते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आएगा नहीं और विवाह सुख सच्ची मायने में मिलेगा। तो शादी के बाद में प्यार होगा, क्योंकि स्वभाव बाद में मालूम पड़ता है, तो शादी के पहले ही देख सकते हैं कि प्यार हो सकता है क्या, स्वभाव कैसे है, तो प्यार बहुत महत्व का है, लव, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर सकते हैं क्या, प्यार हो सकता है क्या, और वो अलग अलग कंडीशन में हम देखते हैं, तो बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम आएंगे नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर करो, ताकि लोग पहले कॉम्पेटिबिलिटी देखेंगे शादी करने के पहले, और बाद में शादी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।